ये रिकवरी स्टेज में नहीं है। अबे इसको क्या सीधे इसके अंदर डाल रहे हैं गाइस, देखते हैं। और भाई 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 साहब भाई ये क्या तरीका है भाई, पूरा निकल गया। क्यों हिला डाला ना। सो गाइस आज के व्लॉग में जो है गाइस, मैं जो हूं गाइस यहां पे इस वाले फिश टैंक के अंदर जो है स्टिंगरे लेके आने वाला हूं। वो भी बहुत ही खतरनाक वाली फिश है, जहरीली फिश है गाइस। लेकिन वो जहरीली फिश जो है गाइस एक्वेरियम में नहीं होती, वो जो है सी के अंदर जहरीली होती है। तो फिलहाल के लिए गाइस आज अपन लोग जो एक्वेरियम में ब्रीड करने वाली स्टिंगरे लेके आने वाले हैं। अच्छा, अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। तो इस व्लॉग को लाइक एम है 20,000, ठीक है गाइस। सिर्फ और सिर्फ सारे बंदे एक साथ लाइक करोगे 20,000 लाइक पूरे होते ही। सब्सक्राइब करना सारे बंदे, ठीक है। 20,000 लाइक और 5,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होते ही गाइस मैं जो है स्टिंगरे का, ठीक है, उससे भी खतरनाक सी हॉर्स लाने का प्लान करूंगा, ठीक है। सी हॉर्स जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही ज्यादा रेयर है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए गाइस मैं आज औरंगाबाद में घूमने वाला हूँ, देखते हैं गाइस वो स्टिंगरे जो है गाइस मिलती भी है यानी अपने। चलो भाई अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और फिलहाल के लिए गाइस यहाँ पे स्टिंगरे है यानी देखते गाइस अंकल के पास में। अभी ये कौन सी फिश है भाई? अच्छा ये गोल्ड फिश है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग स्टिंगरे ढूंढ रहे हैं। स्टिंगरे तो भाई यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि स्टिंगरे शायद ही बहुत ही यूनिक है, शायद यहाँ पे मिलेगी औरंगाबाद के अंदर। तो भाई फिलहाल के लिए हमको सारे फिश टैंक्स चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो ये फिशेस, देखो गाइस ये टाइगर फिश है, टाइगर फिश टाइप में है कुछ। इधर भाई फिशेस ही नहीं है गाइस, आज अंकल के पास में फिशेस है ही नहीं। दिल से बुरा लगता है भूषण भाई। दिल का दरिया बह ही गया। कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नया नहीं दिख रहा भाई। ये वाला कौन सा है? अबे ये वही तो गोल्ड फिश अलग ही आया है गाइस। यहाँ पे देखो गाइस ऐसा किसी ने पहले देखा था गोल्ड फिश ऐसा नहीं भाई। कुछ यूनिक चीजें है ही नहीं भाई, स्टिंगरे है ही नहीं। मैंने अंकल से पूछा तो अंकल बोले स्टिंगरे नहीं है हमारे पास में। एंजल फिश है, वही फिशेस है। दिल से बुरा लगता है भाई। तो दूसरे अंकल कहाँ गए भैया? अंकल अच्छा उसके लिए गए। कितने टाइम में आएंगे? 5 मिनट में, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंकल जो है थोड़ा सा अर्जेंट कॉल के हिसाब से गए हुए, तो अभी देखते हैं जब ही आएंगे। और ये अंदर हमारे ऐसे देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ऐसी व्लॉगिंग जो है अंधाधुंध व्लॉगिंग कर रहे हैं हम लोग। भूषण भाई, चलो भूषण भाई को जो है वो स्टिंगरे ही चाहिए। भूषण क्या बोलता है तू? स्टिंगरे चाहिए ना? हाँ जब वो डसेगा ना, डसेगा ना कुछ दिन में गाइस, मैं ना सांप भी लेके आऊंगा, टाइगर भी लेके आऊंगा, सारी चीजें लेके आएगा। अगर वो चीजें लेके आना चाहते हो तो इस वीडियो को गाइस आप लोग 1,00,000 लाइक पूरे कर दो, ठीक है। 1,00,000 लाइक पूरे कर देंगे ना तो गाइस सांप लेके आऊंगा। मुझे पता है 1,00,000 होंगे ही नहीं पूरे, लेकिन जनता को कुछ बोल नहीं सकते भाई, 1,00,000 भी पूरे कर देंगे। यहाँ पे कुछ नए फिशेस दिख रहे हैं। ये कौन से फिशेस है यार भूषण? ये देख, ये इनके कटे कटे हुए है भाई, सारे टेल वेल कटा हुआ लग रहा है भाई। कटिंग करके आया है? हाँ मुझे लग रहा है वो अपन के से बाल कटाते हैं वैसे, इन्होंने बाल अपने ऊपर के बाल कटा के रखे है। भूषण भाई सेम तेरे जैसे दिख रहे हो। हंसी बन गए मॉडल, 4 दिन से नहाया नहीं है ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा बाल वाल तो बना के आते जा नूबड़े, शर्म कर थोड़ा। गजब बेइज्जती है। अंकल आ गए हैं, अंकल से पूछते हैं। अंकल आपके पास स्टिंगरे है? स्टिंगरे 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 नहीं मिलती आपके पास? मिलती है ना, तो मंगा के दे सकते हो मुझे गाइस। अगर गाइस देखो इस व्लॉग पे 25,000 लाइक्स है ना अंकल, 25,000 लाइक्स होंगे तो अंकल जो है स्टिंगरे मंगाएंगे हमारे। ये भगवान क्या जुलूम है, असली भी आती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है यार, हमें तो चाहिए ही चाहिए स्टिंगरे। हम लोग खास स्टिंगरे के लिए ये ब्लॉग बना रहे हैं और हम लोग स्टिंगरे दे देंगे। चलो अंकल ला के देंगे गाइस अपने को नेक्स्ट इसमें। ओ ये इसके अंदर ना छोटे छोटे स्नेल्स है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ओ भाई ये मैंने अभी नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा है ये स्नेल है, स्नेल है, फिश है। अरे स्नेल है वो, स्नेल है, स्नेल है। अरे हाँ इधर से इधर ये इसमें बता, यहाँ से दिख रहा है ये टाइम वो झूम कर रहा था। ये चल रहा है भाई ये तो? हाँ वही तो चल रहा है, ऊपर चल रहा है गाइस। भाई साहब वो भाई मजा आया। तो अंकल के पास में सारे वैरायटीज के फिश होते हैं, तो इनके पास में नहीं है तो मुश्किल ही मिलेगा। चलो गाइस दूसरी जगह। एलिगेटर फिश भी आती है लेकिन वो क्या मारती है दूसरों को? हाँ हाँ पता है पता है, वो लंबी है वाली ना, लंबी वाली, वो वाली भी लेनी है। और फिर बाद में ईल फिश आती है सांप जैसी। हाँ 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 वो भी मिल जाएगी आपको। अच्छा तो गाइज आप लोग कमेंट करके कौन सी फिश जो है गाइज अपन ने लेनी चाहिए, ठीक है। ओके okay. कुछ गलत सीन चल रहा है मेरे को लग रहा है। यहाँ पे एक ही जगह पे ये लोग भाई सारे के सारे फिशेस बैठे हुए हैं और पूरा टैंक खाली कर रखा है। मैं बोला फिशेस गए का, देखता हूँ तो सारे यहाँ पे। यहाँ पे ये वाला फिश देखना, ये वाला फिश का क्या सीन है?
भाई, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ रहा कि ये सारे एक साथ कैसे है। मैजिक लव बर्ड्स है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो लव बर्ड्स। ओ भाई, तो ये देखो गाइस कितने प्यारे हैं ये भी, ठीक है इनको भी गाइस। लेकिन गाइस मेरे को ना लव बर्ड्स वगैरह जो है गाइस ना, मतलब अच्छा नहीं लगता उनको जो है कैद करके रखने के लिए, इसलिए मैं लव बर्ड्स वगैरह नहीं लेता या फिर कोई भी बर्ड नहीं लेता, क्योंकि बर्ड जो है हवा में खुल के जो है जी सकते हैं। और ये एक्वेरियम के फिशेज जो है ना, बने ही एक्वेरियम के लिए होते हैं, वो पानी के अंदर नहीं मतलब ले सकते। तो चलो गाइस अभी चलते हैं, अभी हम लोग दूसरे शॉप में जा रहे हैं। तो भैया के पास आया है, तो भैया के पास में भी गाइस स्टिंगरे अवेलेबल नहीं, लेकिन भैया बोले कि मैं कल 12 बजे तक हमको स्टिंगरे अवेलेबल करके देंगे। तो कौन से कलर का है वो? एक तो मोटोरो स्टिंगरे रहेगा, हाँ नहीं तो डायमंड स्टिंगरे रहेगा। डायमंड स्टिंगरे चाहिए मुझे, डायमंड ट्राई करना लाने का, ठीक है? क्योंकि मैंने डायमंड लास्ट टाइम देखा था गाइस, आप लोगों को मैंने दिखाया था मुंबई में, क्या ही मस्त था। तो भैया अवेलेबल करके देने वाले हैं, तो आप लोग इस ब्लॉग को 25,000 लाइक्स करते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर भैया के पास में अलग अलग यूनिक यूनिक फिशेज भी है। ये देखो गाइस, ये फाइटर फिश देखो कितना क्यूट है और कितना मस्त है, और ये गोल्ड फिश है। और फिलहाल के लिए गाइस मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो भैया के पास में ये भी देखो, ये कितने प्यारे हैं। तो बात करते हैं क्या भैया? बात नहीं करते, इसको सिखाना पड़ता है। पैरट से ना ये? अच्छा लव बर्ड से, ये पैरट्स नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अरे अरे अरे, ये देखो गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो है गाइस रेड आई स्लाइडर जो हमारा टर्टल है, अभी आप लोग देख सकते हो। ओ भाई ये भी देखो, ये भी देखो, दोनों बड़े बड़े टर्टल है गाइस ये भाई, ये देखो ये देखो भाई। तो गाइस अपना जो टर्टल है छोटा वाला घर के अंदर वाला, वो जो है गाइस बड़ा होने के बाद में इतना बड़ा होगा गाइस, इससे भी बड़ा होता है ना, और भी इससे और भी बड़ा होता है ना, वो बहुत मस्त है अभी, बहुत मस्त खेलता है वो अभी। मेरे पास में इन भैया से ही लेके गए थे गाइस वो वाला टर्टल रेड आई सेंटर जो मेरे पास में है वो। फिलहाल के लिए गाइस तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये देखो गाइस कितना बड़ा ऑस्कर है, देखो देखो ये भूखा है क्या अभी? हां देखो इसकी जो है पूछ जा रखी है, इस फिश की रिकवरी स्टेज में नहीं है, रिकवरी स्टेज में नहीं है। अबे इसको क्या सीधे इसके अंदर डाल रहे हैं भाई? भाई साहब, भाई साहब, भाई ये क्या तरीका है भाई, पूरा निकल गया। वाह मोदी जी वाह वाह भाई, पूरा इतना बड़ा फिश भाई, ये क्या देख लिया भाई हमने, ये बहुत खतरनाक ऑस्कर है भाई, पूरा निकल लिया इसने तो। तो भाई इसी को गाइस अपन लोग ये कहते हैं नेचर, जो बड़ी फिशेस होती है वो छोटों को खा जाती है। तो भाई उल्टी कर लेगा क्या अभी? खा लिया भाई उसने, पूरा पूरा खा लिया भाई। उरे इसके पूरे वो जो है ये वो निकल रहे गाइस, देखो भाई साहब ये देखो जो गंदगी है वो निकाल ले रहा है अपने मुंह से, और वो पूरा खा ले रहा है भाई, उसके गले में जो है फंसा भी नहीं है सीधे। इसके दांत कैसे होंगे? इसके दांत है ना भैया? दांत है उसको, ब्लैक ब्लैक कलर के दांत है उसको भाई, ब्लैक कलर के दांत। रोहन चिंता भाई, ये क्या हो गया भाई अपने आंखों के सामने? ये ऐसे फिशेस ना बस खाना ही खाते ना, ये नहीं खाते ना, ऐसे वेजिटेरियन है ये भाई साहब। बस वो जो मतलब एक फिश था जो मतलब बीमार था, वो मरने के लिए आया था, तो समझ में आ जाता है कौन सा मरने के लिए आया है वो। तो वो वाला फिश भैया ने सीधे निकाल के इसको फीड कर दिया, और ये भाई ये तो अलग ही लेवल है भाई, खा लिया इसने पूरा, खतरनाक भाई खतरनाक, ये फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ऐसा कुछ चीज, मजा आया। जो है बड़े शार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बहुत ही खतरनाक वाले भाई साहब, ये देखो व्हाइट शार्क है, ब्लैक शार्क है, और ये भी गाइस ये जो है ना गाइस ये भी शांत फिश होते हैं। ये वाले शार्क जो है ब्रीड करके जो है गाइस एक्वेरियम के बनाए होते हैं, वो रियल शार्क नहीं है, रियल शार्क एग्रेसिव होते हैं। हां गाइस किस तरीके से वो बैठ गया है, उंगली डालना रोन उसके अंदर, उंगली नहीं भाई उंगली आएगी तो वापस बिना उंगली से आएगा। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं, यहाँ पे जो फिश का फूड वगैरह रखा हुआ है भैया ने, वो कितना बड़ा टर्टल काटा नहीं है ये, ये रेड आई गाइस, रेड आई जो टर्टल होते हैं गाइस देखो मेरे इस पे भी है, देखो नहीं काटता है, नाकुन मारता है गाइस उसको, नाकुन भी बड़े हैं एक्चुअली। ये अपने ट्रीट के ऊपर है, हम जैसा ट्रीट करेंगे वैसा है, अगर हम इसे नॉन वेज खाना देंगे चिकन वगैरह ये सब फ्रिम श्रिम्स वगैरह, तो ये एग्रेसिव हो जाएगा। अच्छा अभी ये डरा हुआ मूड में, अभी डर गया, अभी देखो वैसा अंदर चला गया पूरा गाइस, देखो अंदर चला गया पूरा, डर गया है पूरा, अंदर चला गया है, लेकिन वो इतना मोटा है कि गाइस पूरा अंदर भी नहीं जा पा रहा है। ये फीमेल है, ये फीमेल है, ओके, ये पेट फुगा फुला हुआ है, ये फीमेल है, तो अच्छा, मेल का पेट खड्डा रहता है, खड्डा रहता है बीच में से, ओके ओके। और इसकी जो टेल है ये टेल छोटी होती है फीमेल की, मेल का टेल लंबा होता है। तो गाइस यहाँ पे रेड आई टर्टल जो है गाइस, यहाँ पे ये टर्टल जो है इंडिया के अंदर लीगल है गाइस, बाकी कोई टर्टल जो है इंडिया के अंदर लीगल नहीं पालना, और इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं पाल सकते हो,
ये कौन सा इसका है? ये रेड आई स्लाइडर है, मिसिसिपी रिवर से इसका ओरिजिन है। ओके। और एक्सोटिक पेट है। एक्सोटिक पेट है। तो गाइज अभी आप लोग के लिए भैया के लिए जो भैया ने जो है गाइज स्टिंगरे का अवेलेबिलिटी कल तक हुआ है, तो होप आप लोगों को मैं नेक्स्ट व्लॉग में स्टिंगरे दिखा सकूँ जो अपना खाली टैंक है उसमें। फिलहाल के लिए गाइज मैं कुछ और फिशेस देखता हूँ कि यहाँ से मैं ले सकता हूँ तगड़े वाले जो अपने मेन टैंक में रहेंगे। तो भैया मुझे ना इसमें से अलग अलग कलर के 4 कलर के फिशेज दे देना। कितने? 4 कलर है ना वो? हाँ, तो 4 कलर के फिश लेके जाता हूँ मेरे जो सामने वाला टैंक है उसके लिए। ओके गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भैया जो है अभी निकल आ गए नेट में आ गए, और यहाँ पे इसके अंदर भी आ चुके गए ये फिशेस। ओ भाई सारे अलग अलग कलर के गए सारे फिशेस ले लिया। अभी फिलहाल के लिए आए हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, और कल जो है गाइस अपन लोग स्टिंगरे लेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस आप लोग इस व्लॉग को 25,000 लाइक्स 20-25,000 लाइक्स आज कैच पूरे करो, जैसे ही होंगे वैसे स्टिंगरे वाला व्लॉग आएगा अपने लिए, ठीक है? चार के चारों फिश देखो गाइस कितने प्यारे लग रहे हैं। ओ भाई साहब, अभी ये जो है गाइस इसमें से ये ले लिया मैंने, एंजल फिश ले रहा हूँ गाइस मैं अभी, और ठीक है। तो यहाँ पे वाइट एक दे देना और एक ब्लैक दे देना, तो इनका पेयर ले रहा हूँ गाइस वाइट और ब्लैक का। बस आ गया। ओके, दोनों जो है गाइस अभी आ चुके हैं बहुत ही ओपी तरीके से। तो गाइस ये जो अपने उस वाले टैंक में डालो गिरीश भाई, इधर देखो। जन्म से लेकर 5 साल तक दो बूंद जिंदगी की। एक पहली बार आया हूं मैं यहां पे। रोहन भाई एक मेम आ जाती है, ठीक है, गिरीश भाई के मुंह पे। गाइस ये छोटू से नन्हे से जो गाइस यहां पे मैंने एंजल फिश लाया है वो गाइस मैंने इस टैंक के लिए लाया, क्योंकि इसका एक जो फ्रेंड है वो अकेला है गाइस ये जो एंजल फिश है। तो और थोड़े से बहुत सारे एंजल फिश, दो एंजल फिश लेके आया हूं गाइस मैं। अबे गया एक तो गया, अभी एक तो बिना पानी से रह गया। अभी जा जल्दी जा गया। तो गाइस वो देखो दोनों के दोनों चले गए नीचे, और इनकी टेल रोन थोड़ी बड़ी नहीं है, छोटे है शायद से, वो दूसरा वाला बड़ा लग रहा है ये वाला। हां ये वाला अपना बहुत बड़ा है। तो अभी दूसरे फिशेस जो है गाइस वो पानी थोड़ा सा गाइस यहाँ पे गंदा हो गया है, तो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा फिशेस, लेकिन मैंने अब उसके अंदर दो एंजल फिशेस डाले और बाकी के जो फिशेस है वो उस वाले टैंक के अंदर डालूंगा। तो लाइक नहीं किया तो 25,000 लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल हम लोग स्टिंगरे लेके आने वाले। फाइनल हमको स्टिंगरे का अवेलेबिलिटी मिल गया है, तो चलो गाइस अभी चलते हैं वो वाले फिशेस को भी अंदर डालो। गाइस बाकी के अभी कलरफुल फिशेस जो है गाइस वो इसके अंदर छोड़ने वाला। अबे देखो गाइस पानी के अंदर। ओ भाई अबे जाओ, उधर किधर जा रहे हो, ये निकल नहीं रहेगा रोहन, ये देखो। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे जो है मेरे यहाँ पे फिशेस, देखो कितने सारे कलरफुल वाले जो फिशेस मैंने लेके आए। और फिलहाल के लिए गाइस वो गोश्त फिश भी वैसा का वैसा है। तो अभी कल जो है गाइस मुझे कल का मतलब इंतजार नहीं हो रहा है, कल जो मैं स्टिंगरे लेने वाला हूँ वो भी डायमंड वाला, बहुत ही ज्यादा रेयरेस्ट है, और उसका रेट जो है आप लोग सोच सकते हो आज तक का मेरा सबसे महंगा फिश होने वाला है, ठीक है। तो और वो एकदम यूनिक और रेयर फिश होने वाला है, तो उस वाला खाली टैंक पड़ा हुआ है उसके अंदर मैं रखने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग को 25,000 लाइक्स पूरे कर देने, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वो वाला फिश जो है कल जो नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है, ठीक है, ट्राई करूंगा कि आ जाए वो इंपोर्ट हो जाए, ठीक है, देखते हैं भाई मिलता है यानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।